अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं मोहम्मद करीम और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड ग्राफिक डिजाइनिंग क्लाइंट्स ऑन फेसबुक। मींस कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के आपको जो भी क्लाइंट्स फाइंड करना है अपने वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड या आपने कोई अपना फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना है तो आप कैसे क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं फेसबुक से। और ये कोई मैं पेज प्रमोट करने का तरीका, एड्स चलाने का तरीका ये नहीं बता रहा। आज बिल्कुल न्यू मेथड आपको बताने वाला हूँ जिससे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं अपनी फील्ड के रिलेटेड। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं एंड देन लास्ट में मैं आपको करना भी सिखाऊंगा एंड लास्ट में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आप बहुत ही ज्यादा इजीली यहाँ से क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं एंड ऑर्डर ले सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मैं आ गया अपना कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड आपको मैं फेसबुक पर ले आया हूं। तो यहां पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पेजेस मिल जाएंगे, ग्रुप्स मिल जाएंगे एंड डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस मेथड में आपने कोई ग्रुप में शेयरिंग भी नहीं करनी है, ना अपना पेज बनाना है, ना उसके ऊपर एड चलाना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ सिंपल आपने क्या करना है, आपने जाना है मार्केट प्लेस पर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग डिफरेंट टाइप्स के अपने जो भी इनका प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च का टैब मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, डिफरेंट आपको यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको किसी एक कैटेगरी पर काम करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे एक कैटेगरी पर काम करें, जैसे कि बैनर हो गया, लोगो हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया। जैसे हम गिग फाइबर पे बनाते हैं वैसे आप यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे हम अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप की आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी वीडियो एडिटिंग हो, चाहे आपका वो प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट्स हो। प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट्स में मैंने थोड़ा सा काम किया था और मेरी एक ही पोस्ट से एक ही दिन में 4 से 5 मेरे पास क्लाइंट आ गए थे। तो जब भी मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की, जो भी जिस टाइप की भी सर्विस आप दे सकते हैं वो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। मैंने एक पेज भी बनाया था, उससे मेरे को क्लाइंट नहीं मिला। मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्केट प्लेस पर अपनी पोस्ट करी वैसे ही मेरे पास क्लाइंट आ गया था। तो पहले भी मैं यहाँ पे सर्च कर चुका हूँ सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 1,500, 2,000, 1,500। तो इस टाइप से यहाँ पे लोग सर्विस दे रहे हैं एंड अपना काम दिखा रहे हैं। तो आपने फाइबर पर भी अपनी गिग बनाई होगी तो उसकी इमेजेस आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं, वहां से क्लाइंट भी आए, यहाँ से भी क्लाइंट आए, आप सब जगह से क्लाइंट ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे सेल कैसे करनी है, यानी कि अपनी लिस्टिंग कैसे यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इसकी थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच करिएगा। तो यहाँ पे आपको जो है क्रिएट न्यू लिस्टिंग का यहाँ पे आपको आइकन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि चूज लिस्टिंग टाइप, आइटम फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर सेल और रेंट। आपने इस टाइप का जो सा भी काम करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा आइटम फॉर सेल। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से फोटोज वगैरह मांगेगा, तो यहाँ से मैं कोई भी फोटो वगैरह जो भी मैं सेल करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम जो इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई थी वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी एंड ये सोशल मीडिया डिजाइन है। इसका टाइटल भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो टाइटल आपने कोशिश करनी है कि जिस टाइप का आपका वर्क हो उसी टाइप का आपने टाइटल भी आपने यहाँ पे राइट करना है। तो मैं यहाँ पे टाइटल अपना जो है लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना टाइटल दे दिया, एक रैंडम सा मैंने जो भी मेरे माइंड में आया वो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। तो यहाँ पे हम जो है प्राइस बाद में सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से पहले मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लिया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो भी यहाँ पे मेरे को शो हो रही थी उसी टाइप की मैंने जो भी मेरे वर्क के रिलेटेड जो कैटेगरी शो हो रही थी वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। तो अब यहाँ पे कंडीशन जो आती है तो न्यू होगी कंडीशन, ऐसी बात है। अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, कोई वो पुराना प्रोडक्ट है, तो आप उसकी कंडीशन जो है यूज भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे एंड यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड या अपनी सर्विसेज के रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं कि अपनी डिटेल में जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा जो है डिस्क्रिप्शन भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे टाइप कर दिया, जो भी यहाँ पे मैं समझ में आ रहा था वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा आई कैन डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट फॉर योर सोशल मीडिया पेजेस दैट एंगेज योर व्यूअर एंड कन्वर्ट योर व्यूअर इनटू योर क्लाइंट्स। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है लिख सकते हैं, लिस्ट अ सिंगल आइटम लिस्ट अ स्टॉक। अगर आप स्टॉक सेल करना चाहते हैं तो आप स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप सिंगल आइटम को जो है सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंगल आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंगल आइटम ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रांड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके जो है फेसबुक पेज का नाम हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया जीएफएक्स डिजाइन, ऐसे ही रैंडम से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एंड आप आ जाते हैं प्रोडक्ट टैग्स की तरफ, जो यहाँ पे मेन चीज़ है। जिस कैटेगरी के भी आपका प्रोडक्ट है, आपकी जो लिस्टिंग है, आपकी सर्विस है, उस कैटेगरी में आपकी लिस्टिंग जो है शो होगी। मेन रोल जो है वो यहाँ पे टैग्स का है। तो यहाँ से आपने अपनी जो सर्विसेज के रिलेटेड या अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे 20 टैग्स की लिमिट है, आप यहाँ पे 20 टैग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टैग्स भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट टैग्स भी यहाँ पे ऐड कर लिए एंड यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का जो SKU वो यहाँ पे लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप
आप इस SQL लिखें या ना लिखें, इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप ये लिस्टिंग जो है अपने फ्रेंड से हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्रेंड से हाइड भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप मेन चीज़ आ जाती है जो मैं आपको बोल रहा था टिप दूंगा, तो यहाँ पे आपने अपनी जो है प्रोडक्ट की मेन प्राइस नहीं लिखनी है। अगर आप 2000 या $5 जितने में भी आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपनी मेन प्राइस जो है नहीं लिखनी है, इससे बाहर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। आपने अपनी लिस्टिंग की प्राइस जो है यहाँ पे जीरो रखनी है। तो जीरो से क्या होगा, जीरो से यहाँ पे फ्री लिखा हुआ आएगा तो बाहर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इससे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके DM में आए। फिर DM में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है आप बायर ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड अब जो ये मेरे को सजेस्टेड ग्रुप मेरे को बता रहा है, यहाँ पे आप अपनी जो है लिस्टिंग वगैरह जो भी आपकी सर्विस वगैरह यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, शेयर ना भी करें तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। एंड इस तरीके से आप अपने जो है फेसबुक पे भी क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड हो या कोई सी भी प्रोडक्ट वगैरह के रिलेटेड हो। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाजमी से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।